हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8x-3 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 2। तो इस एक्सरसाइज में 1 to 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। पहले भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो 8x-3 / 3x और 2 यहाँ पर राइट साइड में है, उसके साथ ना वेरिएबल है ना उसके डिनोमिनेटर में कुछ है। जब कभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वो वहाँ पर 1 है कि नहीं, और वो 1 हिडन रहता है, हम 1 को कभी नहीं लिखते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 8x-3 और यहाँ पर 1 है, इसके नीचे अगर 1 रहेगा तो सेम टू सेम 8x-3 ही रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3x ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे, 8x-3 = 6x, 2 × 3 जो कि 6 एंड x को x रह जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखेंगे, जो कि ये प्लस साइन में है, लेफ्ट को आएगा तो माइनस साइन में हो जाएगा, और ये जो माइनस कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट -3 है जो कि यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो 8x-6x कितना होगा, 2x, 3x = 3/2 जो कि हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। राइट साइड में देखो नीचे 1 ही होगा, जहां पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में वहां पर 1 है, तो ऊपर हमारा एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है और नीचे 2 नंबर है, मतलब 2 टर्म्स बोला जाएगा इसको। तो किसको सॉल्व कर देंगे, 9x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो 9x के साथ ये 1 है यहाँ पर, सॉरी 9x 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x ही रहेगा, और 15 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको लिखना है पहले। अगर यहाँ पर नीचे कोई नंबर होता, 2, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर होता, या 56 कुछ भी होता, आप 9x * वही नंबर को लिखते, यहाँ पर हमारा 1 ही है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 15 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 15 7 जा कितना है, 105 एंड 15 6 जा 90 और x हमारा रह जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल को वेरिएबल के साथ 90 हमारा माइनस साइन लेके है तो प्लस हो जाएगा लेफ्ट को लेने से, और ये 105 रह जाएगा, 99x डिवाइडेड बाय 105 सॉरी इक्वल टू 105, देन x, तो 105 डिवाइडेड बाय 99, इसको सॉल्व करेंगे किस पे, 3 पे कट करते हैं क्योंकि ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 जा नेक्स्ट 3 पे कट करके देखते हैं, 35/33 और नेक्स्ट नहीं होगा किसी के साथ, मतलब 35 नहीं होगा और 33 एक टेबल पे नहीं है, तो आंसर हमारा 35/33 फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, z/z+15 = 4/9। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई करने के टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 9z हो जाएगा। पहले ऐसे लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको सॉल्व करना है, वो कैसे, 4 × z + 15 ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 9z इसको रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 4z मतलब 4z क्यूब मल्टीप्लाई होगा, अगेन 4 15 को मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप 9z - 4z, ये जो 4z है एक तरफ आ जाएंगे, मतलब उसको वेरिएबल को एक जगह कर देंगे, दोनों वेरिएबल सेम है, और ये 60 रह जाएगा। 9z - 4z (5z) = 60, z = 60 / 5 जो कि कट करेंगे तो
12 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो यहाँ पर आपको हमेशा ना जब माइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहेगा आप थोड़ा वही जब मल्टीप्लाई करोगे उसी पर ध्यान देना है। पहले तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे जिसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है उसी को लेके पहले लिख देना है। देखो देन माइनस 2 रखेंगे, 2 माइनस 6y करेक्ट। किसी का साइन मैंने चेंज यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे वही ध्यान रख के हमको सॉल्व करना है। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ, अगेन 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अभी हमको सॉल्व करना है, इस स्टेप पे हम सारे जगह मतलब दोनों साइड में सॉल्व करेंगे। 20 इज इक्वल टू ये माइनस 4, देखो ये नेगेटिव साइन है और इस 2 में पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। मैंने लिख दिया 2 जा 4 और नेगेटिव साइन। ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, प्लस साइन आ जाएगा। और 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो हो गया, साइन लिख दिए, देन 12y करेक्ट। नेक्स्ट 15y माइनस 12y, ये 12y जो है जो प्लस साइन है उसको हम एक तरफ ला रहे हैं मतलब लेफ्ट को लाए, तो माइनस साइन लेके आया। इस माइनस 4 को हम सेम टू सेम रखेंगे और ये जो 20 है ना राइट को जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन में था वो। अभी सॉल्व करेंगे 3y इज इक्वल टू माइनस 24, दोनों साइन पे माइनस माइनस साइन है इसीलिए 24 आ गया। और अगेन y हमको चाहिए तो माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 और y कितना होगा माइनस 8, 3 जा 24 जो कि माइनस 8 आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4/3। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, 3 × 7y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 × y प्लस 2। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21y प्लस 12 माइनस 4y माइनस 8। माइनस साइन है यहाँ पर, प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा, बस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस साइन है, प्लस साइन है तो ये माइनस साइन। नेक्स्ट 21y प्लस 4y क्योंकि नेगेटिव साइन पे है तो वो लेफ्ट को आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 8 को रखेंगे और ये 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 21y 4y 25y होगा, देन 12 एंड 8 को प्लस कर देंगे विथ माइनस साइन जो कि 20 होगा। और y को निकालने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 25 हमारा नीचे आ जाएगा, इसको हम 4 पे कट करेंगे 5 एंड 5 पे कट करेंगे 4 एंड 5 पे इसको कट करेंगे 5। तो y का वैल्यू कितना रहेगा, माइनस साइन के साथ 4/5 जो कि हमारा आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।